पहले SVG कैरेक्टर डिजाइन करने के लिए हम यहाँ इलस्ट्रेटर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ कैरेक्टर हैं जो कि हमने फ्री पिक से डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है 32, इसको हम यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी फाइल है वो ये है, और इसका जो इलस्ट्रेटर फाइल है, तो यहाँ पर हमने इसको इलस्ट्रेटर में ओपन करना है। और ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो रही है, साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम या तो डायरेक्टली यहाँ हम क्लिक करें, और जैसे ही हमने क्रिएट कैरेक्टर पर क्लिक किया तो हम यहाँ से जो इसका टेम्पलेट है वो हम ले सकते हैं, या फिर जो पहले से जो कैरेक्टर यहाँ पर डिजाइन है SVG में उसको हम ले जा सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर को हम कंपोजर मोड में ले जाएंगे और देन इलस्ट्रेटर में उसको हम ले जाएंगे, तो हम उसको उस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम कैरेक्टर को डिजाइन करें, हम ये समझे आगे कैरेक्टर किस तरह से है जो कि पहले से बना है। तो फिलहाल इस ऑप्शन को हम यहाँ से क्लोज करें, और यहाँ पर हम आए तो हमें ये पूरा, एक तो हम ये जो है यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर हम देखें तो ये पूरा एक सेटअप, पूरा एक सेट बना हुआ है। तो ये आई थिंक हाफ हाफ रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो लगभग इसी तरह से है, तो इसको हम अच्छे से रिगिंग कर सकते हैं कार्टून एनिमेटर के लिए। अब यहाँ कार्टून एनिमेटर में आए तो आप यहाँ से एक साइड व्यू हम कैरेक्टर बना रहे हैं, तो ये जो हम यहाँ से लेकर के जाएंगे SVG का टेम्पलेट, ये बेसिकली क्या होगा, ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा। हालांकि ये जो है यहाँ पर इसके साथ भी इसको हम बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम क्लोज कर दें, और जो पहले से रेफरेंस कोई कैरेक्टर बना हुआ है इसको हम ले जाते हैं, तो मे बी थोड़ा सा ज्यादा शायद हमको आसानी लगे इसको क्रिएट करने। अब मेन कैरेक्टर है, आप किसी को भी ले लीजिए, सपोज एग्जांपल ये कैरेक्टर साइड व्यू है तो आप इसी को ले लेते हैं। तो हमने इसको डबल क्लिक किया है यहाँ पर, और ये देन इसके बाद कंपोजर मोड में आएंगे, इसको यदि हम इस पर हम कैरेक्टर को रीडिजाइन करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, सपोज इसकी आंखें हमने डिजाइन नहीं करनी है तो ये हमको मिल जाएगी, और लिप्स में भी ओनली वन हम चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें हम अपडेट भी कर सकते हैं, तो चलें इसको लेकर के चलें। SVG सबसे नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर हमने क्लिक करना है, और ये जो है हमारा टेम्पलेट यहाँ आ चुका है। कंट्रोल माइनस के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको जूम आउट किया है। इसके बाद यहाँ पर भी, तो इससे पहले कि हम कैरेक्टर क्रिएट करें, समझे यहाँ पर ये तीन सब फोल्डर है। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, फेस के बोन है, और यहाँ पर आई थिंक बॉडी के कंप्लीट बोन है, और यहाँ पर कंप्लीट कैरेक्टर है हमारा। तो चले तो मे बी ठीक है समथिंग, अब यहाँ पर भी लगभग ठीक ही है। तो हम क्या करें, तो ये हमने क्या करना है, कंट्रोल ए हम करें तो पूरा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी से पूरा कॉपी हो गया, यहाँ आ जाए आप इसको, और यहाँ पर कंट्रोल बी आपने प्रेस करना है, कंट्रोल बी प्रेस किया हमने। अब शिफ्ट के साथ इसको हम स्केल करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो पहले से बना हुआ है उसके साइज बिल्कुल वही यदि हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें हमें ये बेनिफिट रहेगा कि हमें ज्यादा जो इसके बोन की जो पोजीशन वगैरह है तो वो हमें ज्यादा चेंज ना करनी, तो कहीं भी एक तो अपने इसको सारा तो हमको एक्यूरेट मिलेगा नहीं, तो कहीं भी कोशिश करें कि हम ये कहीं से भी सेटअप हो जाए हमारा कैरेक्टर, तो देन हम स्टार्ट कर देंगे इसको। ओके, एंड हमें ज्यादातर मैन्युअली सेटअप करना हो, ऐसा नहीं है कि हमें कैरेक्टर यहाँ पर बना बनाया मिल जाए पूरा अच्छे से, तो मे बी समथिंग इतना ठीक है। और हम इसके साथ अब इसको हम आगे जा सकते हैं, और भी अगर हम इसको स्केल करना चाहें तो मे बी कर सकते हैं, और समथिंग यहाँ पर ठीक है। चलें तो इसको हमने अभी बाहर क्लिक करना है, अब ये जो है हम इसको यहाँ पर ओपन करें, तो ये यहाँ पर जो फर्स्ट में है वो पूरा ये है, और इसके बाद नीचे। अब एक एक चीज हम यहाँ से जो है ये मैनेज करेंगे, तो सपोज नाउ ये जो है इसको हमने यहाँ पर अल्ट के साथ हमने क्या करना है, ये हमने इसको अल्ट के साथ सेलेक्ट कर, और ये हमारा कैरेक्टर का है, ठीक है, आर एल इमेज, और यहाँ पर हम आ जाए, हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए, तो अल्ट के साथ क्या होता है आपका पूरा ग्रुप में जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा। ओके,
यहाँ पर हम कहीं से भी इसको हम स्टार्ट कर सकते। सपोज एग्जांपल अगर हम इसके सूज की बात करें तो ये इसका ये सूज है, तो यहाँ पर तो ये सूज है इसका, तो ये इसको हम चाहें तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं हालांकि, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अल्ट के साथ हमने ये जो हमने इसको अल्ट के साथ सेलेक्ट करना है जो भी हम यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं, और इस तरह से ड्रैग करते हैं इसको हम यहाँ। अब इसको हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया है और यहाँ से इसको ओपन करें हम, तो यहाँ पर दोनों आ गए। अल्ट के साथ हमने इसको सेलेक्ट किया देन डिलीट किया, हमको ये नहीं चाहिए, तो हम जो हमको जरूरत है वो हमने वहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गया, अब बोन सेटअप हम इसके अनुसार कर पाएंगे। इसके बाद सेकेंड ये वाला जो सूज है यहाँ पर हम आ जाए, तो यहाँ पर देखें इसके लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली हम ये थोड़ा साइड व्यू है तो हम इसको नहीं, इसी की एक कॉपी हम यहाँ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको कंट्रोल सी किया, हमने इसको यहाँ पर कंट्रोल सॉरी हमने इसको फर्स्ट तो अल्ट के साथ हमने इसको ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। अब यहाँ यदि हम यहाँ पर भी इसको कंट्रोल बी करें तो ये कहाँ गया है बेसिकली, हम फाइंड करें इसको, ये यहाँ पर आ चुका है, तो हमने इसको अल्ट के साथ फिर से सेलेक्ट कर लिया और इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर, इसको हमने ड्रैग किया, ओके ये ड्रैग हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम यदि हाइडल सेलेक्ट करके देखें इसकी पोजिशन, सॉरी ये नहीं, ये अभी जो बाई डिफॉल्ट है यहाँ पर इनको जो एल फुट है इनको हम अल्ट के साथ हमने सेलेक्ट किया डिलीट, यहाँ पर ये अल्ट के साथ सेलेक्ट डिलीट। अब यहाँ पर ये इसी में आ चुका है, तो अल्ट के साथ हमने इसको सेलेक्ट करना है डिलीट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पर है, तो ये आई थिंक हमको ये शो होना चाहिए, इसको हमने अल्ट के साथ यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ पर पोजीशन आई थिंक इसकी चेंज हो चुकी है, तो इसकी जो सही पोजीशन है वो हम यहाँ पर रखें, कंट्रोल प्लस के साथ इसको हम जूम करेंगे, और अभी हम जो ओरिजिनल है फर्स्ट उसको हम यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर है उसको हमने सेलेक्ट करना है डिलीट करना है, और ये जो हमने अभी अल्ट के साथ हम यहाँ पर लेकर के आए तो इसकी सही पोजिशन है, इसको हम बिल्कुल वहां पर रखें, समथिंग ठीक है के चले, ठीक है। तो लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको भी हम रीनेम कर दें एलपुट टू समथिंग, ठीक है ओके। कंट्रोल माइनस का हम यूज करेंगे, यहाँ पर आ जाए नीचे से यहाँ पर हम देखें तो आखिर हाइडन शो करके देख, ये इसका ये पार्ट, या इसको हम हिप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हिप में हम देखें हिप में ओनली टी सेट है यहाँ पर, जबकि टी सेट के साथ और भी पार्ट होना चाहिए हिप में, तो मे बी कहीं से भी हम कर सकते हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चले नीचे से ही हम इसको करते चलते हैं। तो यहाँ पर तो फर्स्ट पार्ट ये है, तो इसको हमने यहाँ अल्ट के साथ सेलेक्ट कर, अब इसको हमने रिप्लेस कहाँ करना है, तो यहाँ पर हम इसका जो पाथ है सपोर्ट, ठीक है, तो एल था ये है इसका, और हमें क्या करना है यहाँ पर, ये इसका एल था ये है, तो हमने इसका आर था ये, हम देखें यहाँ पर आर था ये, आर था में लेकर के आना है, तो हमने ये जो सेलेक्ट किया है इसको हम आर था पे ला करके, आर था पे ला करके यहाँ पर शुरू, तो ये आर था में आ चुका है, आर था में हम आएंगे तो दोनों हमको मिलेंगे, इसको हम बाद में चाहे बाद में डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा हमने डिलीट यहाँ सेलेक्ट करना है अल्ट के साथ, उसको हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर जो है हमारा इसको भी हमने सेलेक्ट करना है, इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद इसको हम जो हमारा एल थाई है यहाँ पर हम पे आए, ये हमने यहाँ पर इसको हम जो है फर्स्ट इसको हमने कंट्रोल सी करना है, इसको हम रीनेम कर देते हैं कंट्रोल बी, और देन ये जो है इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो जो पहले हमने किया था इसको भी हम यहाँ पर रीनेम कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है वो आर थाई है, तो इसको हमने आर थाई कर ओके।
तो इसके बाद हम चले अगेन आगे चले। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वैसे तो चले इसको रिगिंग में, तो हमें ऑल्ट के साथ इसको हमने सेलेक्ट करना है। ये आई थिंक इसका आर वाला ही है। ठीक यहाँ पर, और ये हमारा एल है, ये आर है। तो यहाँ पर सॉरी ये जो है इसको हमने ये एल वाले में लेकर के जाना है। तो इसको हमने अल्ट के साथ सेलेक्ट करना है। ये एल वाला है, यहाँ पर एल में आ जाए आप। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने इसको हम डबल क्लिक करके रिलीज कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक किया एल पे, इसको हम अल्ट के साथ चाहें तो इसको हम अभी चाहें तो अभी हटा दें, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये कंफर्म कर लें कि भाई अल्ट के साथ इसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसको हमने ड्रैग करना है। ओके नाउ ओपन करें इसको हम, तो सी करें, डबल क्लिक करें यहाँ पर इसको रिनेम करने के लिए। यहाँ पर जो ओरिजिनल है उसको हम फिलहाल अभी यहाँ पर डिलीट करें। ओके अब ये जो इसका पैर है ना ये ऊपर आ चुका है, तो इसको हम कर लेंगे बाद में भी, इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक इतना ये हम कर चुके, इतना हमने किया है। अब इसके बाद देखें आखिर तो यहाँ पर ये क्या है। तो बेसिकली ये हिप का ही एक पार्ट है। ये क्या है, इसको हम हाइड करें और यहाँ पर इसको हाइड एंड शो को क्लिक करें। ठीक है, ये आई थिंक हमको चले ओके दिखेगा। चलिए तो इसको हम चाहे तो यहाँ से, वैसे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं उतना ज्यादा, चलिए इसको रखना है तो रखें, अदरवाइज इसको हम डिलीट कर सकते। तो उसके लिए ये जो है आपका हिप का पार्ट है, तो हिप में सबसे पहले जो हिप में जो मेन टी शर्ट डी आएगा आपका, तो हिप में हमने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ तो हिप हमारा ये है, तो इसको हमने अल्ट के साथ सेलेक्ट किया है और यहाँ पर इसको हिप में हम ले आए इस तरह से। अब हिप में आप आ जाए तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल हिप है इसको आप चाहें तो यहाँ से नेम इसको फर्स्ट कर लेते हैं, और सेकंड वही अल्ट के साथ, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी ओरिजिनल हिप हमको डिस्टर्ब करेगा देन। अब इसमें जो बाकी के और जो भी है, तो इनको अल्ट के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको हमने सेलेक्ट करना है और इन इसको भी हम यहाँ ड्रैग कर देंगे हिप, हिप में हम ले आए इसको भी, और इसको भी हमने क्या करना है हिप में ले आए। अब हिप में आप इनको ऊपर नीचे कर सकते। सपोज एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि भाई हमारा टी शर्ट ऊपर आए, तो हम टी शर्ट को ऊपर ले आता, सॉरी इसको हम अंडू करें, अल्ट के साथ इसको हम यहाँ ले आए और इसको हम आई थिंक नीचे, तो समथिंग अभी ये ठीक है। अब ओके चले, तो हिप का हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम देखें जो जो पार्ट आ रहा है उसको हम करेक्शन करते चले जा रहे हैं। अब ये जो है हमारा, इसको हमने बहुत आराम से करना होता है, इसमें हम जल्दी जल्दी इसको भी कर सकते, तो अच्छे से इसको हमने समझना होता है। अभी जो हम इसी पोज में इसको चाहे तो इसी पोज में हम कर लें, ओनली बोन सेटअप हमें चेंज करना है, या फिर इसको इस पोज में करना है तो इसको भी हम रोटेट कर सकते हैं अल्ट के साथ, इसको आप सेलेक्ट करके रोटेट करके भी कर सकते हैं। पोजीशन को हम फिलहाल अभी नई पोजीशन पे काम करना चाहते हैं तो मैन्युअली कर लेते हैं, तो उसके लिए यही ठीक है कि भाई हमने फर्स्ट ये जो है हमने इसको सेलेक्ट किया। अब ये कंफर्म कर लें कि ये कौन सा है, तो ये एल आर आर्म है ये हमारा, आर आर्म में हम इसको आर आर्म में लेकर के आए। आर आर्म में हम देखें जी जो इसको हम यहाँ पर अल्ट के साथ इसको हमने सेलेक्ट करना है और ये हमारा आर आर्म होता है। आर फोर आर्म है, तो यहाँ पर ये ठीक है, तो ये फोर आर्म, फोर आर्म में भी आई थिंक ये वैसे तो पूरा ही डिजाइन है, थोड़ा बहुत इसको हमने रीडिजाइन भी करना पड़ सकता है। तो आर फोर आर में हम आ जाए यहाँ पर, यहाँ पर हम आए और ये चले रिनेम भी कर लेते हैं ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
इसको भी हम यहाँ पर डिलीट कर। अच्छा जी, ये सारे जो अब इतने सारे हैं तो ठीक है, अब जो हाथ में जो बहुत सारे जो आपके पोजीशन होती हैं, तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। इसको हम अब ये जो है आपका ये है ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को हमने खाना है यहाँ पर, यहाँ रख दें ठीक है, जहां से भी आपके हाथ का रोटेशन आए। और साइज को आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ठीक है। तो अब दोनों हाथ का हम साइज छोटा बड़ा करना है एक्चुअली हमें, इसके राइट पोजीशन समथिंग जो रोटेशन आएगा वो यहाँ से आएगा। इसको हम जाने यहाँ पर, इसका जो भी रोटेशन आएगा जहां से भी वहां पर इसको हम रखें समथिंग, ये ठीक है ओके। अब इसको हम आगे चल के इसमें हम इसके अंदर सुधार करेंगे। अभी तो हमने ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसमें हमने क्या करना है, तो फर्स्ट वाला है तो हम क्या कर रहे हैं, ये ओरिजिनल है इसको हमने लिया है और उसको हम यहाँ ले आते हैं, कार हैंड में हम लाए यहाँ पर इसके। और इसमें भी एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो है इसको हम कंट्रोल सी कर लें और यहाँ पर इसको हम कंट्रोल बी कर लें, और इसको हम अल्ट के साथ सेलेक्ट किया हमने, उसको हमने डिलीट किया चलो। तो हमें सिर्फ ये दिखेगा अभी फिलहाल, और बाकी को कलर वगैरह चेंजेस कर लेंगे, शेप वगैरह चेंजेस कर लेंगे, तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी ये फिलहाल इतना हो चुका है, तो यहाँ पर ये आई थिंक इसका हिप का ही पार्ट रहेगा ठीक है ओके। तो वन बाई वन हम यहाँ पर ये हमारे हिप का पार्ट आएगा, तो इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, और इसको हमने जो हिप है हमारा, हिप में हम इसको यहाँ टॉप में ही हम इसको ला करके छोड़ दें ठीक है, तो ये हिप का ही रहेगा ओके। तो हिप का ने उसके बाद चले ये रहा, तो इसमें भी सेम, इसको भी ओपन कर लेते हैं और हम इसको स्टार्ट चलो। सेम अब इधर का भी वही है, इसके लिए भी हमें जो है चले फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते। अब इसके बाद हम तो ये हमारा जो है ठीक है, ये हमारा जो है फोर आर्म, इसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो फोर आर में हम ले आए, फोर आर में आ गया हमारा ओके। एंड यहाँ इसको हम ओपन करें और यहाँ पर इसको हमने डबल क्लिक 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 करके रिनेम किया है यहाँ पर, और इसको अभी ओरिजिनल वाले को हम फिलहाल डिलीट कर दे। तो ये समथिंग हो गया हमारा, तो यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ले आए ओके अल्ट के साथ, और इसको हमने यहाँ पर चले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रिनेम कर लेते हैं डिलीट। ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम ठीक कर लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली डिजाइनिंग का है तो ये हमारा नीचे जाना चाहिए, तो इसको कर लेंगे नीचे ऊपर नीचे। अब यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट करना है, लेकिन इससे पहले कि सेलेक्ट करें तो हम अब यहाँ पर इनको सबसे पहले हाँ यहाँ रखे, शिफ्ट के साथ इसकी जो पोजीशन है वो हमने चेंज की है, समथिंग रोटेशन जिस तरह से भी आप इसको चाहते हैं कि एनिमेट हो उसी तरह से आपने करना है। अभी यहाँ पर इसको हम खोलें, तो यहाँ पर हम लाने वाले अल्ट के साथ इसको हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ इसको लेकर के आए और यहाँ इसके ऊपर हमने इसको छोड़ा, ओपन करके देखें तो दोनों इसी में है, तो हमने इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ इसको हमने पेस्ट करना है, अल्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए ताकि पूरा हो जाए, और इसको हमने डिलीट कर दें। तो ये हमारा इतना हो चुका। फेस को
अच्छे से हम यहाँ कर ही नहीं सकते, तो फेस के लिए मे भी बेहतर है कि इसको हम कार्टून एनिमेटिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट हम जो है पहले जो बॉडी है उसको पूरा कर लेते हैं, उसको हम टेस्टिंग कर लेंगे, और ताकि अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम देन उसके बाद काम करेंगे हम यहाँ पर। तो अभी बॉडी को हम पहले फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम कंप्लीट कैरेक्टर को यहाँ पर करेंगे। इसके लिए जो अभी बॉडी के नाव, तो ये जो है हमारा बॉडी, अब यहाँ पर हम आ गए बॉडी में। फर्स्ट हम देखें कि यहाँ पर सॉरी, ठीक है ये है हमारे, पर इसको हम ओपन कर लें, ओपन करना हो कर ले, या फिर आपने कुछ ज्यादा नहीं करना है कुछ। अभी इनको सबको हमने ठीक कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हमने अल्ट के साथ यहाँ पर के सॉरी यहाँ पर आपने इसको ओपन करना ही होगा। यहाँ पर देखें ब्लू कलर, ब्लू कलर में देखें आपका ये है थाई से स्टार्ट कर लें या फुट से, फुट में आपने यहाँ पर अल्ट के साथ आपने क्लिक कर, अल्ट के साथ क्लिक करना है, तो ये बेसिकली ठीक है समथिंग यहाँ से आए, और इसके बाद ये इस तरह से, और इसके बाद ये यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई इस तरह से वर्क हो, तो ये बोन आपका इस तरह से क्रिएट होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हमें एनिमेशन हम करेंगे, देन इसके बाद इसको हम देखेंगे आखिर किस तरह से वर्क कर रहा है। और देन अभी जो ग्रीन वाले हैं, चले यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको भी हम, समथिंग यहाँ यहाँ पर ये आने वाला है, ओके ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो इसका फुट का है बेसिकली, ये तो ये आपका बोन, सॉरी कंट्रोल जेड हम करें, अंडू करें, इसको बेसिकली हमने अल्ट यहाँ अल्ट के साथ इसको हमने सेलेक्ट कर, कंट्रोल जेड करें, इसको कंट्रोल प्लस करके आप इसको ऐसा चले समथिंग ये ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो इसका एल फुट है उसी तरह से जो है ये आर जो फुट है ना, आर फुट काफी ऊपर जा रहा है इसका प्लेन ना, तो इसको हम जहां से भी रोटेशन आएगा वहां इसको हम चले कंट्रोल माइनस के साथ, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर हम जाएंगे यहाँ। ये हम इसको हम देखें तो ये आपका जो है वो समथिंग यहाँ तक है, तो जहां तक भी डिजाइन है ना इसको हम अभी ऊपर नीचे करेंगे, तो उसके अनुसार आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका ग्रीन वाला है ना, तो यहाँ पर इसको हमने सेलेक्ट करना। अब इसका बेसिकली रोटेशन कहाँ से है, तो नीचे वाला पार्ट ये इस तरह से रोटेशन में डिजाइन नहीं है, तो उसको हम करेंगे डिजाइन। और अभी हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से मे भी समथिंग ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर जो है बार वाला जो है इसको भी हम यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं, और स्पेस की प्रेस करेंगे आप यहाँ से, कंट्रोल माइनस कर लें और स्पेस की प्रेस कर लें, तो इसके बाद जो है अल्ट के साथ जो आर थाई है समथिंग, आर थाई का हम देखें कि भाई ये रोटेशन कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है ना, तो जहाँ से रोटेशन आएगा इसको वहीं पे रखेंगे। उसी तरह से हम जो एल थाई है इसका जो रोटेशन है वो कहाँ से आएगा इसको देखें, समथिंग यहाँ से ठीक है कि इतना जो है क्लियर है, एंड सॉरी नीचे हम समथिंग ये भी हालांकि ठीक ही है, चलें इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो बाकी का है बोन सेट, बोन सेटअप फर्स्ट हम इसको हम क्लियर कर लें। तो हिप का जो है बेसिकली चलें हिप को भी हम देखेंगे यहाँ पर, तो हिप में हम देखें कि हिप का आई थिंक
वो आइडिया कि ये कहाँ से था, इसको हम देख नहीं पाए। चले तो इसको लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम देखें यहाँ पर। और जो बाकी के हैं, चले इसको, चले थोड़ा सा हम कर लेते हैं, मैन्युअली सेटअप कर लेते हैं तो नेक का बेसिकली। चले यहाँ से है, और हेड का भी हालांकि समथिंग, सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे इसको, आप जो है अल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक कीजिए, ज्यादा सिलेक्शन आ रहा है ना, तो इसको जूम कर लीजिए इस तरह से, आप कंट्रोल माइनस। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड एंड सो करके इसको हम कर सकते हैं, अभी फिलहाल स्किप करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो बोन पर आ जाते हैं, देखिए कलर जो है आपको यहाँ पर सभी के अलग अलग कलर है, तो यहाँ पर जो है हमारे L4 आर्म है, तो L आर्म के लिए हमने इसको सेलेक्ट करना है। अब L आर्म में देखें जी, ये इस तरह से रोटेशन में होना चाहिए डिजाइन। चलिए इसको हम डिजाइन तो करेंगे बाद में, पहले देखें कि हम ये अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ आ जाए आप, और ये आई थिंक चलें जी, तो ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से रोटेशन में होगा, बैक साइड में जाएगा। चले इसके बाद यहाँ पर जो आपका हैंड का है, ये इसको हम बेसिकली जहाँ से भी इसको हम रोटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से रोटेट। और ये तो किधर गया, ऊपर है ये, इसको आपने यहाँ रखा, यहाँ छोड़ा। अपोजिट साइड आ जाए तो हम देखें, आखिर येलो कलर है तो येलो कलर अल्ट के साथ हमने इसको सेलेक्ट करना, ये जो है ना हमारा कंट्रोल जेड, इसको हमने अल्ट के साथ इसको हमने सेलेक्ट करते हैं, और देखें कि सिलेक्शन में बाकी चीजें आ रही नहीं आ रही। देखें जैसे माउस हम लेकर के आ रहे हैं तो वो सेलेक्ट हो रही, जो तो सेलेक्ट हो रहा है उसको हम हटा देते हैं। चलिए इसको हम बाद में करेंगे, अभी जो हम कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखें कि समथिंग यहाँ से रोटेशन इसका ठीक आए, के एंड कंट्रोल माइनस। अब यहाँ हम आ जाए, और ये है कहाँ, यहाँ पर है, तो इसको हमने उठाना है, तो इसको भी हम जानेंगे आखिर कहाँ से इसका रोटेशन आ रहा है। तो समथिंग, चलिए इसको हमने रीडिजाइन करना पड़ेगा, बाकी के यहाँ तक ठीक है, के कंट्रोल माइनस। तो अभी कुछ है जो कि बोन सेटअप हमारे बाकी है, यहाँ पर जैसे कि है ना हमारा ये, तो इसको हम, सॉरी इसको, चलो हम आगे करेंगे, एल वाले को हम आगे करेंगे। अभी जो है हम ये जो है ना हमारा आर आर वाला, तो इसको हम ये इस तरह से किया। अब यहाँ पर जो है हमारा आर आर आर, ठीक है, ये जो है हो गए, ये हमने अल्ट के साथ सेलेक्ट करना, नहीं गया कहाँ, कंट्रोल माइनस करें हम इसको, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो इसका सलूशन हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो इसको तो हम करेक्शन कर सकते हैं, ये सारे करेक्शन हम, चले कुछ हम कार्टून एनिमेटर में भी सीखेंगे कि अभी बाकी करेक्शन कैसे कर रहे। तो ये जब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपने ये एक्स्ट्रा जो है ना इनको आप डिलीट नहीं कर देते। आपने क्या करना है, सपोज एग्जांपल अल्ट के साथ इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर जो है हमारा, ठीक है, फाइल पे जाएंगे, सिर्फ आपने सेव बटन पर क्लिक करना है, सेव बटन। यदि हम कार्टून एनिमेटर में जाएं तो हमको यहाँ पर अपडेट यहाँ पर दिखेंगे, पहले इतना बना लें आप इसको फेस को। जब हम कार्टून एनिमेटर में हम करते हैं सेटअप तो बहुत अच्छे से काम नहीं करता, खासकर फीमेल का फेस जो हम करेंगे,
तो आपने SVG यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना सभी का अलग अलग, और यहाँ पर इसको हम मैन्युअली रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि भाई अभी जो है इतना जो काम हमने किया है, तो फर्स्ट पहले हम टेस्ट कर लें, देखें पैरों का भी बोन बड़ा अजीब सा हो गया। तो यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट कैरेक्टर बने हैं उसको हमें देखना है, समझना है कि भाई, तो मैनुअली अब यहाँ पर मैनुअली हम कर लेंगे, यहाँ पर इसके जो बोन है ना इसको हम मैनुअली कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रीव्यू पर हम जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट हमने प्रीव्यू उसका टेस्ट करना है कि भाई चले अभी तो टूटा फूटा ये जो रिगिंग है वो देखें जी, ये अभी टूटा फूटा रिगिंग जो है इस तरह से हो रहा है, इसके रिगिंग पे हमें काफी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके रिगिंग पर हमें काफी काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं जो टेस्टिंग वगैरह है लगभग किस तरह से आ रही है। ये समथिंग ठीक है। चलें जी बाहर आ जाते हैं। चलिए तो इसको रिगिंग को हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही करने के बाद में हम जो हमारी इलस्ट्रेटर फाइल है इसकी हम सेव एस करके कॉपी बना के, जो कि हमने ये डिलीट नहीं किया था उसकी सेव एस करके कॉपी बना करके रखेंगे, ताकि इसको वंस अगेन कभी भी हम जो है फिर से डिजाइनिंग स्टार्ट करें और ये कैरेक्टर में जो स्केलिंग है जो स्केल साइज वो वही रहे। तो हमने जो डिलीट किया था वो हमने अंडू करके इस फाइल को सेव करके रखा है, आपने इस फाइल को सेव करके रखना है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो फाइल है इसी को सेव करके और इसको डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और कैरेक्टर हमारा जो बोन के साथ है वो यहाँ पर वर्किंग करेगा। अभी फिलहाल SVG, तो हम ये जो SVG इतना काम ये जो हो चुका है इसको भी हम लेकर के जा सकते हैं, यहाँ पर ये भी आपका चला जाएगा और आप इसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं या फिर इसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये एक बार हम क्लोज कर चुके हैं तो इस फाइल को आप सेव करेंगे तो ये आपकी ऑटो अपडेट यहाँ पर नहीं होगी। आप क्या करेंगे, यदि इस फाइल में काम करेंगे तो ये फाइल आपकी ऑटो अपडेट हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। तो इसको हम ऑटो अपडेट अब नहीं करेंगे और अब हम इसको मैन्युअली यहाँ पर करेंगे। तो जहां जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है हमको वो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम देखें कि भाई यहाँ पर ये जैसे कि ये है हैंड वाला है ये, तो आई थिंक ये अगर हिप के ऊपर रहेगा तो हिप के ऊपर ही रहे, लेकिन यहाँ पर हमने कि ये हिप में क्यों आ रहा है, तो ठीक है इसका हिप नेम आ गया है वो आइडिया, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे कर दें, कोई भी हैंड का पोज ऊपर नीचे होगा तो वो आप यहाँ पे ही कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम कर सकते हैं। जैसे कि ये पैरों का है तो इसको हम बाद में कर लेंगे जब लगभग चीजें हमारी सही हो जाएंगी, तो देन अच्छा आ जाए हम यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर भी जो इसकी लेयर है वो इसकी अप डाउन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर चलें तो हम इसको सही कर लेते हैं, जो जो भी हमको प्रॉब्लम आ रही है वंस अगेन। यदि हम यहाँ प्रीव्यू में आए या फिर आप बाहर आकर के इसका जो एनिमेशन है उसको टेस्ट कर लेंगे तो वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये जो है ये समथिंग हमारा ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी हमें बेसिकली करना क्या है, तो जो डिजाइनर ने डिजाइन किया है वो अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। तो यहाँ पर इसका ये और ठीक है, तो ये सब यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है, इसको हम सही करेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ये किस तरह से बना है, किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस करेंगे, तो ये हम देखें कि ये आई थिंक इसका, अब इसको हम यहाँ से आप इसका जो सिलेक्शन टूल है तो सिलेक्शन टूल या फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर इसका जो सिलेक्शन टूल है वो आप यूज कर सकते हैं, पेन टूल से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हमने ये हम यहाँ पर, और या फिर हम यहाँ से इसका जो है लासो टूल या फिर जो सिलेक्शन टूल है सिलेक्शन टूल में भी हम देखें कि ये हमने क्या करना है, अपना अल्ट के साथ फर्स्ट हमने इसको क्लिक करना है।
या फिर हम पेन टूल में भी आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे कि भाई आप इसको चेंज करना चाहते हो तो एंकर पॉइंट या फिर ये जो टूल्स हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक पॉइंट एक यहाँ पर इसको बेसिकली इसको हमने रोटेट करना है, कंट्रोल हमने प्लस किया था इसको, बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये क्लिक करना है आपने ये यहाँ पर, तो अभी ये यहाँ से आप इसको इसको पकड़ेंगे इस तरह से और इसको, ठीक है, ताकि वो रोटेट वाला शेप आ जाए यहाँ पर ना, ताकि ये हम यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये आई थिंक दोनों जगह है, तो इस तरह से जब हम रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से प्रॉब्लम ना आए, तो चलें ये तो ठीक है, स्ट्रोक रहेगा तो वो दिखेगा ही आपको, या फिर आप स्ट्रोक ही हटा सकते, चलें समथिंग मे बी ये ठीक है। अब ये इसका ओरिजिनल है तो ये कुछ इस तरह से हो गया है, समथिंग ठीक है, इसको हम यहाँ पर मिनिमाइज करें और देन यहाँ पर इसको तो हम ओपन कर देते हैं, और वहाँ पे जो बाकी है तो आई थिंक ये है, और इसमें भी हम इसको हाइड कर दें तो ये अप डाउन का सॉल्व कर लेंगे हम अभी, तो यहाँ से इसको हम ठीक है वंस अगेन यहाँ आ जाए, और आपने जो कर्वेंचर टूल है ये ले लेना है, और जहां पर भी आपने कुछ पॉइंट या फिर इसको यहाँ सपोज बी सेंटर में हमने इसको क्लिक करना है यहाँ पर, ओके, और इसके बाद आप माउस यहाँ रखेंगे तो आप इसको इसको अपने जरूरत के अनुसार इसको कर्व में यहाँ पर हमने किया कन्वर्ट किया, तो वंस अगेन यहाँ मिनिमाइज करें और ये तो हम देखें तो ये समथिंग इतना रोटेशन आएगा अभी, तो ये तो लगभग ठीक हो चुका है हमारा, और बाकी नीचे का समथिंग ठीक है, वो रोटेशन आ जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये भी हालांकि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो इसके नीचे रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर यदि इसके ये वाले तो या तो हम ये जो टी शर्ट का ये जो पार्ट है इसको आगे अच्छे से रखें ताकि पीछे रोटेशन ना दिखे, और नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बाकी की चीज़ों को हम हाइड कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हमको भी ओके तो बाकी चीज़ें हाइड कर देते हैं और जिस पर हमें काम करना है उसको ओनली हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आए इसको आप जो है यहाँ पर ना यहाँ पर हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं और इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो सपोज नाउ यहाँ पर जो ये स्ट्रोक है तो स्ट्रोक में भी इसको हम यहाँ पर ये कर्वेंचर टूल हमने ये यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर, तो इसके बाद के तो ये कलर आ गया, और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि भाई आप इसको चाहे तो हाइड कर दें या फिर अब ये जो है इसको आप यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और नाउ वंस अगेन उसको हम थोड़ा शो कर लेते हैं ताकि हमको ये पता लगे कि आखिर इसको कितना करना है, ओके नो नो ओके यहाँ पर ओके तो ये समथिंग, हालांकि हमें अब इसको हम अंडू कर लेते हैं, तो अंडू कर लेते हैं तो हम ये वंस अगेन अंडू करें हम यहाँ पर, तो इसको हमने अंडू किया तो ये आई थिंक स्ट्रोक नहीं हमको निकालना चाहिए, तो स्ट्रोक को हम हाइड कर देते हैं अभी, और ये जो इसका मैन शेप है इसको हमने यहाँ मिडल में हमने एक, और अभी ये हम निकालें जब रोटेशन आता है तो आई थिंक स्ट्रोक नहीं, स्ट्रोक अलग है इसका, तो सभी का स्ट्रोक आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अभी हम इसको एज इट इज रखेंगे और बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे, हालांकि ये जो स्ट्रोक है इसको हम डिलीट कर देंगे लेकिन बाद में करेंगे, अभी इसको हम डिलीट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर चले ये हो चुका है, तो ये समथिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेम सिमिलर हमने यहाँ पर करेक्शन करना है, तो इसके रोटेशन का हमें यहाँ पर इसकी टेस्टिंग हम करते रहे कि ये हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो क्या ये जब इसको हम इस तरह से रोटेट कितना हम इसको रोटेट कर रहे हैं, वो रोटेट करने के बाद कितना बाहर निकल रहा है, तो इस चीज का इन चीजों का हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखते हुए इसको हम रीडिजाइन कर दें, तो कंट्रोल प्लस का हम यूज करें, ओके कंट्रोल प्लस बहुत ज्यादा हो रहा है, चलें ठीक है, तो सेम अभी हमने यहाँ पर तो ये आर आर में हमारा, उसके बाद हम जो हमारा है एल
ठीक है, तो एल फोर आर्म, ओके, ये हमने आई थिंक कुछ मिसिंग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो रीनेम है वो हमने गलत किए हुए हैं, तो चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इसको फिलहाल ठीक कर देते हैं, उसको हम बाद में इसको हम रीनेम कर लेंगे। और यहाँ पर आए हैं वंस अगेन, तो नाउ तो इसको हमने यहाँ सेलेक्ट करना है, और जो करवेंची टूल है वो हमने लेना है, यहाँ पर स्ट्रोक को हम हाइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर जो हमने क्लिक करना है, और जो भी सेफ है, जितना भी हम चाहते हैं कि भाई रोटेशन में मे भी ठीक लगे, तो उतना हम इसको कर देते हैं, और यहाँ पर अभी फिलहाल स्ट्रोक को हम रहने देते हैं, और बाद में अभी हम इसका टेस्टिंग करेंगे, अगर हमको ठीक लगेगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक, इसी तरह से हम देखें यहाँ पर जो इसका आर्म, एक्चुअली ये नहीं है, चलो इसको भी हम यहाँ पर जो करेक्शन है वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो उसकी सेप है उसकी सेप में हम आ जाए, तो यहाँ पर स्ट्रोक देखें, ये यहाँ पर इधर तो स्ट्रोक है लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है, तो चलें यहाँ पर इसको हम फिलहाल हमने यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पर एक हम ये जो पॉइंट है इसको भी हम पकड़े, तो समथिंग है कि स्मूथनेस आनी चाहिए, तो ओके मे बी ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये रोटेशन यहाँ से हो रहा है, तो इसका जो पॉइंट, इसका तो बोन का जो पॉइंट है इसको भी हम चेंज करेंगे, तो चलें इतना तो मे भी ठीक हो चुका है, तो यहाँ पर इसको हम फिलहाल ठीक है। अभी हिप को हम विजिबल करो, तो हिप में हो क्या रहा है, यहाँ पर हम देखें कि भाई हिप का ये जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पर लगाया है वो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम जो है हमारा, चले हिप में हम देखें, तो हिप हमारा ये है, और हिप को हम यहाँ पर हम ये देखें, तो इसको हमने हिप में भी हमने यहाँ पर कुछ आई थिंक छूट गया था वो शायद, चले उसको भी हम ठीक करेंगे, ठीक है चले उसको हम यहाँ पर वंस अगेन लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर ये जो है हमारा, ठीक है चले हेड में है आई थिंक, तो इसको हमने करना क्या है, आई थिंक ओके, अच्छा ये इसका हेड का ही पार्ट है, तो इसको तो हम हेड को अभी नहीं कर रहे, इसको हम बाद में ही करेंगे, चले तो हम देखेंगे, या फिर हम खुद से भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, तो नाउ इसको मिनिमाइज करें, तो इतना जो हमने किया है इसको हम पहले कंफर्म कर लेते हैं, आई थिंक मे बी जितना भी हमने किया है यहाँ पर, तो इसके लिए हम फाइल में, अभी ये तो फाइल है ना, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, फाइल को सेव एज करके हम कॉपी बना चुके हैं, या वंस अगेन आप यहाँ पर SVG यहाँ पर ये सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप इसकी और भी कॉपी बना सकते हो, ठीक है, और भी SVG बनाना है, इलस्ट्रेटर जो भी बनाना है, तो SVG में भी हालांकि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो कॉपी के नाम से बन रही है, तो इसको यहाँ पर या चाहे तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है कॉपी बन हो गया ये, तो यहाँ पर इसको फाइल को हमने सेव कर दिया, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ ये जो है इसको हमने अल्ट के साथ सेलेक्ट करना है, और इसको हमने डिलीट करना है, अगर हम इस फाइल को वहां पर टेस्ट करना चाहते हैं, तो जितने भी एक्स्ट्रा फाइल है वो सारी यहाँ से हम डिलीट कर चुके हैं, इसके बाद वंस अगेन फाइल में जाएंगे, और आपने इसको इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको सेव एज ए कॉपी करके भी, हालांकि हमको SVG मिल जाता है, अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर हम इसको नाउ मेल कैरेक्टर, तो यहाँ पर इसकी मल्टीपल कॉपी आई थिंक हमको बनानी पड़ सकती है, अब ये इसको फाइल को हमने यहाँ पर सेव कर देना है, अब चाहे तो इसको हम यहीं पर इसी पे रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पर जो आपका SVG है उसको आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लोड कर सकते हैं, तो यहाँ हम जाएं और जहाँ पर भी हमारी फाइल है वहाँ पर हम जाएं, तो सपोज एग्जांपल कैरेक्टर 2 में है आई थिंक, तो यहाँ फ्री पिक में आए, और यहाँ पर हमने जो ये मेल कैरेक्टर 1 के नाम से हमने किया था फाइल, अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ये लेगा, तो ओके यहाँ पर ओके हमने जो है प्रेस करना है, ओके पर हमने यहाँ पर क्लिक किया है, और ये अपडेटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, नाउ वेट करेंगे हम,
तो देखें जितना भी अब इसी तरह से हम इस पे कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे और चेंजेस करते रहेंगे। तो यहाँ पर अभी क्योंकि नाउ सेम ये वही केस को हमने यहाँ ऊपर रखना है, अभी यहाँ पर इसको टेस्टिंग कर ले, तो टेस्टिंग के लिए वही की प्रीव्यू में जाएंगे, और प्रीव्यू में तो फर्स्ट हम ये इसका यहाँ पर टेस्टिंग करें, तो देखें कि यहाँ पर हालांकि काफी हद तक चीजें ठीक हैं, लेकिन चले ये जो भी इस तरह का जो है ये इस तरह से निकल रहा है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट नीचे आए तो हम यहाँ पर तो ये जो है ना हमारा अब ये जो स्ट्रोक है वो हम हटा देंगे, तो ये ठीक से जो है वर्किंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको भी हम थोड़ा अभी सही करेंगे, ताकि ये जब इसको हम बैठने का पोज बनाए या फिर अदर पोज बनाएंगे तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अभी हम यहाँ पर हिप में आ जाते हैं, और हिप में भी हमें आई थिंक काफी काम करना होगा। तो हिप का ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पर ये हम देखें तो ये हमारा पार्ट है यहाँ पर। हालांकि जब ये बैठेगा तो इसके लिए जो सिटिंग पोज है वो हम अलग से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया है, और इसमें भी हम सेम इसी तरह से आप चाहें तो आपकी जो एक्स्ट्रा जो लेयर है जो कि आपको डिस्टर्ब ना करे आप उसको लॉक कर सकते। अभी हम यहाँ ये जो है हमारी और या फिर आप इसको हाइड कर सकते हो, तो इसको हमने हाइड किया, और यहाँ पर अब हम यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा एक तो ये जो है समथिंग जो सेफ है उसका वो लगभग इस तरह का आएगा, और इसको हम देखेंगे जरूरत पड़ने पर इसको हम रीडिजाइन या मॉडिफाई हमें करना आना चाहिए। तो चले तो ये जो है ठीक है, समथिंग यहाँ पर ठीक है, ओके। और इसका जो अभी हम जो हमारा ये इधर यहाँ जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर हम आ जाए, और यहाँ पर भी हमने क्या करना है, ये हमने क्लिक किया है, और इसको भी हम समथिंग जो सेफ है वो ओके, तो ये लगभग इतना ठीक है। ओके तो ये ठीक है, ये बाकी हम कर लेंगे करेक्शन, और यहाँ पर इसको भी हम ठीक करें, तो इसका हमें हमें जो अभी ठीक है अभी फिलहाल हिप को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो नाउ हमको ये समझ आएगा कि ये जो बेसिकली इसके बोन है, तो बोन में हम आ जाए तो बोन में येलो वाला बोन जो है ये ठीक है, तो ये जो बोन है ये बेहतर तरीके से जो काम करेगा। अभी हम सिलेक्शन टूल ले लेते हैं यहाँ से, तो वो आपका यहाँ से काम करेगा, यहाँ से काम करेगा, और ये इसके साथ में हम यहाँ आ जाए, और यहाँ पर हमने तो रेड में हम देखें कि ओके रेड नहीं सॉरी यहाँ पर ये जो है इसका अलार्म का है, और ये बेहतर तरीके से यहाँ से जो एक अच्छा जो लूप और रोटेशन आएगा वो यहाँ से आएगा। इसको हम थोड़ा इसको हम कार्टून एनिमेटर में भी इसको हम चेंजेस कर सकते हैं, और ये जो सेफ है इसको भी हमने थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेफ है ये बेसिकली ओके ठीक है, तो ये नेम इसको हम यहाँ छोटा कर लेते हैं, तो अभी ठीक है अभी इसको बेहतर रोटेशन लेने के लिए इसको हम छोटा करें यहाँ पर। तो हमने यहाँ सेलेक्ट करना है इसको, और इसको आप स्केल कर लें या फिर मैन्युअली करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने स्केल किया इसको ताकि जब ये रोटेशन हो तो ज्यादा बाहर ना आए, या फिर ये समथिंग इतना ठीक है। और इसके बाद जो इसका यहाँ पर सॉरी इसको आप अल्ट के साथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, तो अभी ये रोटेशन जो आएगा वो इसका कहाँ से आएगा, इसका पिवट पॉइंट का हमें ध्यान रखना होगा। तो इतना समथिंग ठीक है ये, बाकी चलें इसका जो है तो ये वन साइड तो हमने करेक्शन की है, सेकेंड साइड इसको भी हम देखें यहाँ पर ओके। तो फर्स्ट हम क्या करें इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करें, और सेकेंड ये जो है ओके ठीक है, तो हमको ये इसका जो
कि येलो का जो इसका ये इसको हमने यहाँ से, जब क्योंकि बैक में रोटेशन होगा तो फर्स्ट कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें तो समथिंग वो, या बेसिकली यहाँ से होना चाहिए। तो अभी ये स्ट्रोक हम आगे चल के डिलीट करेंगे, वो थोड़ा सा यहाँ से रहेगा तो ये ठीक रहेगा। तो चलें इसको थोड़ा थोड़ा हम करते रहेंगे और बाकी टेस्ट करते रहेंगे। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें और लगभग यही है सभी चीज़ें, फिर भी इसको हम कंटिन्यू यहाँ पर पूरा करेंगे। आप इसको स्किप करके आगे भी इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना हमने किया है, तो फाइल में जाएंगे फिर से। आप क्या करेंगे, सेव यदि आप करेंगे तो आपको कोई भी अपडेट यहाँ नहीं मिलेगा। अब जो फाइल सेव हुई है वो आपकी जो कैरेक्टर की फाइल है वो सेव हुई है। तो इसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट एज पर हम जाएं, तो इसी को आप सेलेक्ट करें, इसी में आप इसी, तो ये अपडेट हो गया है, ये अपडेट हो गया। ओके, तो चाहे तो न्यू फाइल क्रिएट कर लें। तो प्रीव्यू से बाहर आना होगा और यहाँ से फिर से जो फाइल है ये फाइल, इसको हम अपडेट कर देते हैं फिर से। ओके हम करेंगे। तो चलें ठीक है, अभी अभी जो बोन के पॉइंट है वो उनको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ओके नहीं चलें, तो यहाँ पर चूंकि ये हमको करना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अभी हम, सॉरी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हमने यहाँ प्रीव्यू में हमें जाना होगा। यहाँ पर हम देखें तो जैसा कि हम एनिमेट किसी में देखते हैं और समथिंग, वही जो है अभी ये, इसको भी हमने क्या करना होगा यहाँ पर, इसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ हम आ जाए और हम अभी यहाँ पर हमने दोनों को सही करना होगा और वंस अगेन यहाँ आ जाए। इसको भी हमें, जब इसको हमें करना था, इसको आई थिंक हमें कंप्लीट करना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर आपने भाई ये करवेंचर टूल को आपने लेना है और यहाँ पर आपने करवेंचर टूल में ये, ताकि एक स्मूथ रोटेशन आपको मिले और यहाँ आ जाए। और यहाँ पर इसको तो हम शो कर लेते हैं और ये इसको हम हाइड करें और यहाँ पर वंस अगेन यहाँ क्लिक करें और इसको हम, ठीक है। तो इसको हम अंडू करें। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा, इसको हम हाइड कर देते हैं। वंस अगेन जो हमारी लेयर है इसको हम यहाँ पर, इसको हमें सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। अभी हम इसको, ओके ठीक है, इतना हमने किया है। और यहाँ पर हम बाकी समथिंग, अभी ये थोड़ा लगभग लगभग ठीक है। यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट है वो हमको मिल जाएगा। तो ये समथिंग इतना जो है करेक्शन है वो ठीक हो गया है। यहाँ पर ये भी हमने यहाँ पर भी अभी थोड़ा काम करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर, इसको हम देखें कि समथिंग ठीक है, बाकी देखेंगे आगे चल के। अभी जो बेहतर रोटेशन नहीं आ रहा है तो यहीं से हम करेक्शन करते चले जाएंगे। और तो यहाँ पर चले, इसका जो ये हिप का जो एक है यहाँ पर जो पार्ट है, इसको हम बेसिकली ये है क्या, तो इसमें हम यदि हिप में हम आए यहाँ पर, ये जो है इसको हम यहाँ पर ये, ओके हेड को हम फिलहाल अभी यहाँ पर चाहे तो हाइड कर दें। और यहाँ पर कंट्रोल प्लस का हम यूज कर लें, इधर आ जाए और ये जो है इसको आप तो अपने यहाँ क्लिक कर दो मैं, और इसको आपने हेड का जो शेप है वो यहाँ पर, ठीक है, जब रोटेशन आएगा तो वो, ठीक है, तो इस पर जो हेड है वो आपका रोटेट हो जाएगा। ये इतना
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मिसिंग दिख रहा है वो इस तरह से नहीं दिखेगा। चले तो समथिंग इतना ठीक है। अब इसके बाद बाकी गोभी का तो लगभग लगभग ठीक ही है, इसी तरह बाकी आप इसको करी करी पाएंगे। और अब हेड का यदि हम बात करें तो हेड जो बेहतर तरीके से आप इसको, यहाँ हम देखें कि हेड में यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है तो ये काफी यहाँ पर ठीक है, तो ये इसको हम छोड़ देंगे। इसको हेड को हम बेहतर तरीके से जो करेंगे वो हम वहीं पर करेंगे। चलिए इसको कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने इसका फाइल है, तो ये हमारी इसमें तो हमारा फाइल में हम जाएं और इसको हम फिलहाल एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो और ये जो हमने फाइल अभी सेव की थी ना, तो इसकी एक कॉपी हम यहाँ से, हम इसको जो है वंस अगेन इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेते हैं। और अभी ठीक है, क्योंकि हेड तो हमारा इसी में है, हेड हमारा जो है इसी में है। और ये फाइल हालांकि हम अपडेट कर चुके हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे। और अभी समथिंग चले, हमको लग रहा है कि भाई इतना काम हमने सही किया, तो इसकी एक कॉपी नहीं बना रहे, एज इट इज इसको हम यूज कर रहे हैं। अब यदि हम कार्टून एनिमेटर में आए तो नाउ यहाँ प्रीव्यू से बाहर आना होगा, और यहाँ पर इसको हम, तो ये यहाँ पर जो भी हमने करेक्शन किए वो यहाँ पर हमको सही मिलेंगे। और अभी हम धीरे धीरे समथिंग फाइनल जो है हमारा कैरेक्टर है, तो ये मान करके हम चलेंगे। अब धीरे धीरे इसको हम फाइनल जो टचअप है वो हम देने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लेयर है, ये लेयर आप इस तरह से लेयर को भी हाइड एंड शो करके देख सकते हैं, ठीक। और ये जो हमारा लेयर है, ये लेयर, तो ये लेयर कंफर्म है कि भाई इस लेयर के नीचे जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो जो करेक्शन है वो मे बी ठीक ही है। और यहाँ पर ये जो लेयर है, ठीक है, तो इस लेयर को भी हम देखें तो ये लेयर इस तरह से आप ड्रैग कर दीजिए। सेम इसी तरह से यहाँ पर बाकी जो है, और ये ऊपर है तो ऊपर रखना है तो ऊपर आएगा, नीचे रखना तो नीचे आएगा। उसी तरह से ये जो हैंड है तो हिप के ऊपर है तो ऊपर ही ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसको हम फेस को यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। तो फेस को आप ज्यादा में भी यहाँ पर अच्छा है कि हम ये तो हमने चाहे तो इसको डिलीट कर दीजिए। अब सॉरी, हमने यहाँ से निकालना है ना फेस को, तो ये इसमें हम इसको हाइड कर दें या इसको हम डिलीट कर दें, जो भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएं तो यहाँ से अभी आई थिंक ये कुछ मिसिंग है, तो उसको हम ये आई थिंक इसका, ओके, इसका कॉलर मिसिंग है। तो कॉलर कॉलर यदि ये, और बाकी आपको लग रहा है कि कुछ भी मिसिंग है तो आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं, या फिर अभी हम सिर्फ फेस को यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसको हम, हमारी ये जो फाइल है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको अपडेट किया है, ये हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए इसको हम फिलहाल हाइड कर देते हैं। और फेस का जो है, हम फेस को यहाँ पर अभी हम, तो फेस में हम क्या करेंगे, तो ये ओरिजिनल जो है हमने ये इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर बाकी जो जो भी आपको लग रहा है तो आप हाइड कर दीजिए। आईज है इसकी, और ओनली फेस फर्स्ट हम लेकर के जाएंगे, तो बाकी के सभी लेयर को हम हाइड कर दो ना, बाकी के ओनली। अब वो इसका ये एयर वगैरह आपने जो अलग अलग जो रखना है वो अलग रखेंगे, और जो साथ में रखना है वो साथ में रखेंगे। अब इसको हम यहाँ पर फाइल में जाएं, आप इसकी इसको एक्सपोर्ट कर लें चाहें तो एक्सपोर्ट कर लें, तो SVG हो रहा है यहाँ पर। तो क्या है ये, तो यहाँ पर इसका ये फेस है, तो यहाँ पर इसको हम रीनेम कर लेते हैं। सपोज ये फेस है, तो इसको हमने फेस यहाँ पर इसको हमने देना है वन बाई वन, आपने सभी को इसी तरह से एक्सपोर्ट करना है। और ये कैरेक्टर में आप आ जाएं, यहाँ पर कैरेक्टर को आपने सेलेक्ट करना है, और इसमें आप तो इसके स्प्राइट एडिट में आ जाएं, और यहाँ से आपका जो फेस है उसको, फेस को आपने सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो इसको ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं कि भाई हमको जो ये फेस है मे भी ठीक है। तो ये फेस हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर भी हम देखें, यदि तो भी फेस हम यहाँ पर इसको हम
चलिए पोजीशन को भी थोड़ा सा हम पहले कंप्लीट फेस को भी हम इसको डिजाइन करके भी थोड़ा सा पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं या फिर बाद में भी इसको हम कर सकते हैं, तो ये ठीक है। ओके, और यहाँ पर ये हमने कर लिया तो इसको हम यहाँ से हमने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद और क्या है, तो ये आई थिंक इसका इसको हम फिलहाल इसको हम अंडू कर लेते हैं। वंस अगेन सारी चीजें तो ठीक है, ये इसका लिप है यानी कि इसका माउथ है। ओके, तो इसको हम हाइड ही कर देते हैं अभी यहाँ से। और अभी वन बाई वन हम सारी जो इमेजेस हैं यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और वहां पर हम ले जाएंगे। सपोज एग्जाम्पल इसकी आंखों से यदि हम शुरुआत करें तो ठीक है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो किसी भी एक को हम यहाँ पर करना सीख लेते हैं और बाकी हम बाद में डिस्कस करें। तो सपोज ये जो है यहाँ पर जो कंप्लीट जो ये आईज हो रही है आपकी जो हो रही है, ठीक है, ये तीन इमेजेस के साथ हो रही है, 1 2 3, ये आपकी आईज। इसमें भी सपोज हमने इसको क्लोज दिखाना है इस आईज को। फाइल में जाएंगे, आपने क्या करना है इसको एक्सपोर्ट करना है, और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो है इसकी राइट आई है, ठीक है, राइट है ही। और इसको हम यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ठीक है, और राइट जो है ये राइट है, और इसको हमने यहाँ पर इसको हमने ठीक है, इसके बाद ये हमने किया तो इसको हम चाहे डिलीट कर सकते हैं या फिर नहीं, सॉरी डिलीट नहीं करेंगे इसको हम, इसको हमें एक इसका हमें कंप्लीट भी चाहिए इसका एक। ओके ठीक है, जो कि वन आई थिंक और है यहाँ पर कोई इमेज यहाँ पर, ओके ठीक है। ओके, ये हमारा फाइनल है और ये हमारा नीचे का है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल है, तो ये हमारा आई थिंक ओपन रहेगा। तो यहां से हमने जाना है और यहाँ पर हम जाएं और इसको हम अब यदि हम तो ये यदि हम यहाँ जाएं तो ये हमारा नॉर्मल एक है। तो इस तरह से हमने एक्सपोर्ट कर लेना है, तो हम तीन कर सकते हैं, तीन से ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये हमारा नॉर्मल है, तो फर्स्ट हम नॉर्मल पे आ जाएं। तो यहाँ पर इसको हम करें नॉर्मल, यहाँ पे तो हमें इसको रीनेम करना होगा। राइट जो आई है हमारी वो यहाँ पर, ये हमारी नॉर्मल है तो इसको हमने नॉर्मल यहाँ पर दिया है। यहाँ इसको हम ठीक है नॉर्मल यानी कि ओपन। ओके, इसको आप चाहें तो साथ में कर सकते हैं, इसको आपने रिप्लेस करना है। और यहाँ पर जो राइट आई जो नॉर्मल वाली है वो हम यहाँ पर, सॉरी इसको हम अंडू करें, इसको हमने राइट करना था, लेफ्ट को हमने सेलेक्ट किया, राइट को हम सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर तो अभी जो है इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा अभी पोजिशन वगैरह पे, हमें थोड़ा सा तो हमें काम करना होगा, या फिर जो कैरेक्टर की जो रेफरेंस जो इमेज है वो हम यहाँ पर लेकर के आ सकते थे, उससे भी एक बेसिक आइडिया हमको लगता है। तो चलें इसको अब यदि अभी तो हम यहाँ पर ये जो है ना इसको हम जहाँ रखेंगे ये बाहर उतरेगा। और यहाँ पर जो मल्टीपल इमेजेस है तो वो आप करना चाहते हैं तो वो आपने, तो चलें इसको हम फर्स्ट हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड। यहाँ पर क्या आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर जो हम है हम इसके जैसा नहीं रखना चाहते हैं, हम एक ठीक है आई थिंक यहाँ पर क्लोज रखना है, तो हम इसको क्लोज रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन देखें और इसकी पोजीशन देखें, तो दोनों की पोजीशन में यहाँ पर डिफरेंट आ, एक तो ये जब हमने एक्सपोर्ट किया तो कुछ ना कुछ जो यहाँ पर है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ चुका है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इसको हम
ठीक है, तो ये इसको हम वंस अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जो जो प्रॉब्लम आती है वो इसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो इनवॉल्व वाला है वो अभी हमारा ठीक नहीं है, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ ओके बटन पर हमने प्रेस करना है, यहाँ पर तो जो नॉर्मल है इसको हम रिप्लेस करें, भाई नॉर्मल को हम रिप्लेस करें, तो नॉर्मल जो हमारा गलत हो चुका है। तो ये देखें कि हम ये जो है अभी अभी भी हमें यहाँ देख रहे हैं इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये जो है ठीक है। तो ये क्लोज है, हालांकि क्लोज में भी पोजीशन सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये जो है दोनों में कितना अंतर है, तो ये फिलहाल हमें अंतर यहाँ पर दिख रहा है, तो ये अंतर को हम यहाँ पर ठीक कर देते हैं। फोर है, हम देखें कि एक ही जगह पर जो क्लोज हो रही है ऑन हो रही है, क्लोज हो रही है ऑन हो रही है, क्लोज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज ठीक है, हालांकि अब ये ऑन है, ये है, अब क्लोज आए हमें बनानी है। क्लोज में अब क्लोज में हम क्या कर सकते, क्लोज में आप आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा इसके कलर को, आखिर क्या कलर इसका जो है क्लोज आए हमको यहाँ पर दिखेगा। तो क्लोज में ये जो है इसको हम पूरा यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा क्लोज दिखाना है, या कितना क्लोज हमने दिखाना है, तो ये हमें समझना होगा। तो ये हमारा ये लेयर, इस लेयर में इसका जो स्ट्रोक है, ये जो इसका स्ट्रोक है, इसको हम जो है वो सिलेक्शन टूल से, या फिर ठीक है, या जो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसको आप यहाँ इस तरह से के सॉरी इसको हम अंडू करें, ये इसका वाइट है, ये इसका वाइट है, ठीक है। अब हमने स्ट्रोक पे एक्चुअली हमें काम करना था, स्ट्रोक को हम सॉरी अंडू करें, इसको अंडू हम कर लें, और यहाँ पर अब इसको इसके बाद अब यहाँ पर भी हमने इसको फर्स्ट क्लिक कर लें, सेकंड इसको आप इस तरह से कि भाई आई आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम ये इतना सारा झंझट ना करते हुए तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई ये कलर तो अभी यहाँ पर ये कलर है, और आप आईडोबो टूल से ये कलर ले सकते हो, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एक हम यहाँ ऊपर टॉप में एक नया लेयर यहाँ पर एक हम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर सीधा हमने पी प्रेस किया, यहाँ पर जो पेन टूल है, पेन टूल से इसको हम मैनुअली बना भी सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सपोज आप क्लोज दिखाना चाहते हैं, तो भाई ठीक है, किस तरह से दिखाएंगे आइस क्लोज को, तो इस तरह से सपोज एग्जांपल, या थोड़ा ये दिखे कि भाई क्लोज में भी थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो इस तरह से हम करें, और अल्ट आपने प्रेस करना है, और ये देखें जो कर्व अभी सही नहीं जा रहा, तो अल्ट आप प्रेस करेंगे और यहाँ सेंटर में क्लिक कर देंगे, तो अब आप इसको अपने अनुसार इस तरह से मैन्युअली क्लिक करके ले आए। और कर्व आपने लेना है तो कर्व लेने के लिए आपको इसका जो है ये यहाँ पर आपने इसको इस तरह से कर्व आप कर लो, ठीक है। तो ये शायद इसका एक जो है क्लोज पार्ट हो सकता है, यहाँ पर सेम वही है। फाइल में जाएंगे और यहाँ पर इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हम आ जाए तो ये ठीक है, तो ठीक है क्लोज है, तो यहाँ पर इसका जो क्लोज है तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका जो क्लोज आए हैं, तो ये हमने इसको यहाँ पर इसका क्लोज लिया, और यहाँ पर इसको हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ पर, वंस अगेन आ जाए आप यहाँ पर, और यहाँ पर जो इसका ठीक है, तो क्लोज में आपने जो भी दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर, तो सपोज नाउ क्लोज हम ये दिखाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ये है, ये है, ये है, ठीक है। साइज वगैरह और ये जो पोजीशन है, तो देखें यहाँ पर इसका तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हुआ, पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन का हमें ध्यान रखना है ताकि वो परफेक्टली काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर कि यही इसका 7 है और इसका यहाँ पर 8 हो चुका है,
यहाँ पर इसको हमने 7 करना, तो 7 एंट्री की इम्प्रेस गई। अब यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी आई इस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर वंस अगेन आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से सपोज हम यहाँ पर इसको हम इसको ओपन इसको हम रखना चाहते हैं, तो ओपन यानी कि ये हम इसको सॉरी ये तो ओपन नहीं है, ओके नॉर्मल ओपन है, तो यहाँ पर इसको हमने ये रखा और यहाँ पर हम आ जाए और यहाँ पर आप इसको ठीक है इसको हम क्लोज रखते हैं और यहाँ पर देख लीजिएगा अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो नाउ ठीक है, तो इस तरह से और पोजीशन वगैरह हम देखें कि समथिंग, तो ये पोजीशन पोजीशन का हमें ध्यान रखना, इसकी पोजीशन आई थिंक यहाँ पर थोड़ी फोर आना चाहिए, यहाँ पर हम देखें कि ये फोर ओके फोर है 160 4, तो यहाँ पर 160 या 8 आ गया, इसको हम 4 रखेंगे और इसको भी हम यहाँ 4 है ये भी 4, तो पोजीशन सबकी जो है बेहतर तरीके से काम करी। इसी तरह से तो सेम यही मेथड आपने यूज करना, तो इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरी आईज हम इसी तरह से डिजाइन कर लेते हैं, लिप्स का भी हालांकि इसी तरह से है, और बाकी कंप्लीट जब फेस को हम यहाँ पर कर लेंगे तो इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें।